राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर नगर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इसके तहत नगर में अनुशासन का परिचय देते हुए आरएसएस का पथ संचलन निकला। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत भी किया गया। प्रतिवर्ष बैठमा में निकलने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन रविवार को निकला। बौद्धिक के बाद निकले पथ संचलन में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में हाथों में दंड लिए अनुशासित ढंग से चल रहे थे। नगर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्वयं सेवक व संघ के कार्यकर्ता मैदान पर एकत्र हुए। एक कतार में खड़े होकर सभी ने अनुशासन का परिचय दिया और धर्म ध्वज फहराया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। कंधे पर डंडा रखकर कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। संचलन के दौरान आधा दर्जन कार्यकर्ता बैंड बाजों पर देशभक्ति धुन बजाकर चल रहे थे। सभी कार्यकर्ता फुल पैंट और सफेद शर्ट पहने थे। यह पथ संचलन शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय से नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय पहुंचा। यहां पर समापन किया गया। संचलन के दौरान नगर में जगह जगह पुलिस मुस्तैद रही। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल